कोटद्वार से भाजपा की प्रत्याशी रितु खंडूरी से बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में रितु खंडूरी जी है। मैम, चुनाव नजदीक है, क्या कहेंगे आप? लगातार हम लोग प्रचार में लगे हुए हैं और जिस तरह का सैलाब भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रहा है, इससे आप सबको दिख रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की कोटद्वार में जीत सुनिश्चित है। क्या मुद्दे होंगे मैम इस बार? मुद्दे विकास के हैं, मुद्दे कोटद्वार को के में विकास लाने के हैं। और आपने देखा है, मैं बात कर रही हूँ, अगर मैं बस स्टैंड की बात कर रही हूँ, मैं रिवर फ्रंट की बात कर रही हूँ, मैं एजुकेशन की बात कर रही हूँ, मैं स्वास्थ्य की बात कर रही हूँ, ऐसे बहुत से मुद्दे हूँ। कांग्रेस को क्या चुनौती मानते हैं? चुनौती देखिए, जब आप इलेक्शन लड़ते हैं तो चुनौतियां होती हैं, लेकिन कोई ऐसी, मैं अपने काम पे लगी हुई हूँ, एक तरफ एक बिल्कुल सीधा चली जा रही हूँ। और जिस तरह से मुझे सपोर्ट मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि निश्चित ही हमारी जीत हो रही है। धन्यवाद। भाजपा की प्रत्याशी रितु खंडूरी से हमने बात की है और जनता आखिरकार क्या चाहती है, विकास की बात वो कर रही हैं। और इस बार भी 2022 में भाजपा की सरकार बनने का दावा भाजपा की प्रत्याशी रितु खंडूरी कर रही हैं। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, कोटद्वार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।